हाय फ्रेंड्स, मैं आज पनीर टिक्का बनाने जा रही हूँ। ये पनीर और प्याज को मैंने क्रीम, धनिया और जीरा जीरे के साथ मैरिनेट करे हैं। नमक और हल्दी डाल के मैरिनेट के लिए रखा है। आधे घंटे के लिए ये मैरिनेट होगा। ये प्याज थोड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा है। थोड़ा प्याज मैरिनेट के लिए डाला है, थोड़ा प्याज काट के रखा है जो कि ग्रेवी में जाएगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा हमने घी डाला है, ऑयल डाला है और ये प्याज लहसुन का पेस्ट है जिसे थोड़ा भून रहा है। ये इस पनीर के जो मैरिनेट पनीर है उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये पनीर भून चुके हैं, ये ग्रेवी तैयार हो रही है और ये प्याज हमें टॉस कर लिए, थोड़ा इसको भी फ्राई कर लिया है जो मैरिनेट हो रहे थे। ये प्याज और पनीर को जो मैरिनेट किए हुए थे उनको फ्राई करने के बाद हमने ग्रेवी में डाल दिया है। ये ग्रेवी तैयार हो गई है। इसको हम देसी घी, थोड़ा देसी घी डाला, इसको देसी घी में थोड़ा लहसुन डाला जिससे हम को छौंक लगाएंगे ग्रेवी को। ऊपर से लहसुन थोड़ा भुन जाने तक इसको पकाएंगे, देसी घी और लहसुन। इसको हमने छौंक लगा दी। पनीर टिक्का विद व्हाइट सॉस। ये प्याज और पनीर को जो मैरिनेट किए हुए थे उनको फ्राई करने के बाद हमने ग्रेवी में डाल दिया है। ये मेरी डिश बनके तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है, आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।